आज हम सीखेंगे शीट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। शीट फंक्शन 2013 या उससे अपग्रेडेड वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ही आपको ये अवेलेबल होगा। तो शीट फंक्शन बेसिकली कहाँ काम आता है, पहले हम ये देखते हैं। शीट फंक्शन से हम हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी शीट किस नंबर पर है। आप नीचे देख सकते हैं मैंने चार शीट बना रखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मुझे चेक करना है कौन सी शीट किस नंबर पर है, तो उसके लिए मैं शीट फंक्शन का यूज कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए मैं शीट फंक्शन का नाम लिखूंगा, इज इक्वल टू शीट फंक्शन मैंने टाइप करा, टैब प्रेस करेंगे और यहां पर आपने शीट का नाम चेक करना है, यानी शीट का नेम आपने यहां पर मेंशन करना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आप नेम मेंशन करेंगे, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमा और शीट का नाम लिख देता हूं वेस्ट लिख देता हूं, वो सेकंड नंबर पर है, तो इन्वर्टेड कॉमा दोबारा लगाया, ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 2 रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जो वेस्ट शीट है वो सेकंड नंबर पर है। ऐसे ही अगर मुझे ईस्ट शीट चेक करनी है तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा ईस्ट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया 1। इसी को जस्ट मैं नीचे पेस्ट करूंगा, यहाँ पर दोबारा मैं लिखता हूँ वेस्ट, इसी को नीचे पेस्ट करा, यहाँ पर लिखा मैंने नॉर्थ और देन अगेन नीचे इसको पेस्ट करा और यहाँ पर लिखा मैंने साउथ। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर प्रॉपर मुझे शीट नंबर रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। एक और फीचर इसके अंदर रहता है, अगर आप शीट का नेम मेंशन नहीं करते हैं तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है ये देखते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली शीट फंक्शन यहाँ पर मेंशन करता हूँ, टैब प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू मेरा ऑप्शनल है, अगर मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा तो भी चल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूं। तो आप देखिए मैं इसमें अब एंटर प्रेस करूंगा तो इसने यहां पर 1 रिफ्लेक्ट करा। अगर आप यहां पर शीट फंक्शन टाइप कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जिस शीट पर वो शीट फंक्शन लगाएंगे वही शीट का नंबर वो मेंशन करेगा। देखिए मैं इस शीट फंक्शन को कॉपी करता हूं और नेक्स्ट शीट पर जाकर यहां पर इसको कर देता हूं पेस्ट। तो अब देखिए यहां पर इसने 2 रिफ्लेक्ट कर दिए क्योंकि ये सेकंड शीट पर फॉर्मूला लग रहा है। इसी को दोबारा कॉपी करूंगा, देखिए 4 शीट पर जाकर उसको पेस्ट करता हूं तो देखिए इसने यहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया 4। आई होप सो आपको शीट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक जरूर करिएगा, मैं आपके लिए ही कई सारे फंक्शंस लेके आता हूं अलग अलग ताकि आप लोग सीख सको, इजिएस्ट वे में सिखाता हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पूछें। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।